ओए ओए ओए, अबे मैं सुट्टा नहीं, वो सब्जी लेने जा रहा हूँ यार। मैं तो मतलब उसमें तो अब चप्पल ही पहनूंगा, आलसी दिखते हैं। लेकिन तू तो योयो बॉय दिखता है क्योंकि तू ढंग से स्टाइल नहीं करता। वाओ, मतलब चप्पल भी स्टाइल हो सकती है। इसका मतलब मैं चप्पल पहन के भी कूल दिखूंगा, फिर उसके बाद मार्केट आऊँगा, कोई मेरे से इंप्रेस हो जाएगी, फिर हमारी शादी हो जाएगी क्योंकि उसको मेरे से प्यार हो चुका होगा। एंड उसके बाद हमारी जो 50th एनिवर्सरी होगी, तब हमारे बच्चे जो होंगे वो हमारे लिए नारुतो वाला केक लाएंगे। खो तू वीडियो देख। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है एवरीथिंग अबाउट स्निपर्स, सैंडल्स, चप्पल, स्लाइड, सब कुछ। एंड अगर आपको चप्पल सैंडल वगैरह पहन के गंदा नहीं दिखना है, योयो बॉय नहीं दिखना है, आलसी नहीं दिखना है और उसमें भी अच्छा दिखना है, तो पक्का से हर पॉइंट ध्यान से सुनना, स्पेशली जो रूल्स बताऊंगा। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। सबसे पहला रूल ये है कि चप्पल वर्ड के अंदर काफी कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें से आपको या तो सिर्फ स्लाइड्स पहननी है या फिर आपको सैंडल्स पहनने हैं, या फिर आप एक न्यू टाइप की चीज होती है जो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा, क्लॉग्स पहन सकते हो। लेकिन आपको किसी भी हालत में फ्लिप फ्लॉप्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि उससे ज्यादा गंदी दिखने वाला फुटवेयर कुछ नहीं हो सकता है। अंटिल अनलेस आप किसी बीच पे चिल मार रहे हो, तब चलता है। मैं आपको अभी डेली लाइफ की बात बता रहा हूँ। और चाहे स्लाइड्स हो, सैंडल्स हो, या कुछ भी, किसी भी टाइप का ओपन फुटवेयर, मतलब कि खुला हुआ पैर पे पहनने वाला पीस हो, वो आपको तब बिल्कुल भी नहीं पहनना है अगर आप जहां जा रहे हो वहां पे जमीन पे कीचड़ होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर जमीन पे कीचड़ हुआ तो आप कुछ भी चप्पल वगैरह पहनी हो आपने, आपके सारे पैर गंदे हो जाएंगे। अब आते हैं कि आप कहां कहां पहन सकते हो एक्चुअली चप्पल को, मतलब बेसिकली स्लाइड्स या जो भी पहन रहे हो ओपन फुटवेयर। आप इसको घर पे पहन सकते हो, आप इसको पास में मार्केट में जा रहे हो तो मैं प्रेफर नहीं करता, बट आप पहन तो सकते ही हो। तीसरा, आप इसको किसी इंडियन टाइप के स्टाइल के साथ पहन सकते हो, जैसे कि शॉर्ट कुर्ता हो गया, और जिम जाते हुए या जिम से आते हुए आप डेफिनेटली पहन सकते हो। बट कहीं भी पहनो, सैंडल्स वो वाले मत पहनना जैसे हमारे पापा के टाइम पे मतलब पापा तो अभी भी जो पापा पहनते हैं, वो वाले जो सैंडल्स है ना, वो कभी मत पहनना, उसमें एकदम अंकल लगोगे आप। नेक्स्ट रूल है कि यार वैसे भी ना आपके जब पैर दिख रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा कुछ कल्चर्स में तो डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है, और एक्चुअली हमारे पैर कुछ ऐसे दिखाने लायक होते नहीं है, तो वो इतना कुछ सुंदर लगता नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप पहन ही रहे हो तो यार अपने पैर प्लीज साफ रखना, मॉइस्चराइज रखना, और साथ में नेल्स कटे हुए होने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर हफ्ते जाके पेडिक्योर करवाओ, बट एक बार अगर पेडिक्योर करवा लेते हो उस बार सीख लो कि पैर साफ कैसे रखना। नेक्स्ट रूल है कि कभी भी किसी भी टाइप के स्लीपर्स के साथ, किसी भी टाइप के सैंडल चप्पल वगैरह के साथ आपको स्किनी जीन्स नहीं पहननी है। स्किनी जीन्स नीचे ऐसे टेपर होके जाती है, उसके बाद एकदम से चप्पल दिखती है, वो इतना ज्यादा योयो बॉय लगता है, इतने मतलब इतने लुच्चे लगोगे आप कि आप सोच नहीं सकते। और मैं तो कहूंगा कि जीन्स ही मत पहना करो स्लीपर्स के साथ, आप ट्राउजर्स भी मत पहना करो स्लीपर्स के साथ। स्लीपर्स के साथ या तो आप शॉर्ट्स पहन सकते हो या फिर थोड़ी सी रिलैक्स्ड टाइप की पैंट्स पहन सकते हो। नेक्स्ट रूल ये है कि आप जो भी लोगे स्लीपर्स, सैंडल, चप्पल जो भी है, उसको प्लीज लाइट कलर्स में मत लेना, क्योंकि आप स्लीपर्स को कभी भी उतनी तमीज से नहीं पहनते हो तो उनका गंदा होना थोड़ा सा शायद आसान होता है। एंड इसलिए बेटर है कि आप एक ही पेयर लो लेकिन उसको थोड़े से डार्क कलर में ले लो। वैसे आप थोड़ा बेज, ग्रे टाइप के थोड़े लाइट कलर्स में भी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी पॉप कलर वाली चप्पल मत लेना, उसमें तो आप बिल्कुल ही योयो बॉय लगोगे, प्लीज मत लेना। अब कलर की तो बात हो गई, अगर मैं उसके ऊपर बने हुए डिजाइन की बात करूं तो यार प्लीज वो जिसपे पबजी वगैरह लिखा होता है और कुछ अजीब अजीब सी चीजें प्रिंटेड होती है, प्लीज प्लीज वो मत लेना। वो लेते टाइम अच्छी लग रही होती है, उसको आप एक दो बार पहनोगे फिर वो इतनी गंदी आपको खुद भी लगनी शुरू हो जाएगी और दूसरों को तो पहले दिन से गंदी लग रही होगी। तो आप एकदम मिनिमल वाली स्लाइड्स और सैंडल्स लो जिसपे ज्यादा डिजाइन ना हो, ज्यादा कुछ कलर्स ना हो, एक ही कलर की बनी हो पूरी, और उस पे कोई लोगोस वगैरह कुछ भी ना हो। अब क्योंकि लोगोस का भी ना एक ये बात आ जाती है कि काफी ऐसी स्लाइड्स होती है नाइकी, एडिडास, इन सब की, जो कि दिखने में सुंदर होती है, मैं मानता हूं, उसको बड़ा बड़ा नाइकी लिखा होता है, अच्छा लगता है वो। देखो नाइकी एडिडास लिखे होने से सिर्फ उनपे एक शो ऑफ वाला फैक्टर आता है, सिर्फ उस रीजन से उनकी कॉस्ट इतनी हाई होती है। लेकिन अब यही अगर आप उनकी कॉपी ले लोगे सस्ती वाली तो फिर उसके अंदर वो कंफर्ट नहीं होगा, फिर आप अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हो। तो मैं कहूंगा बजट में अच्छी कंपनी की अच्छी कंफर्टेबल स्लाइड्स ले लो जिसके ऊपर कुछ ज्यादा डिजाइन ना हो, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि ये सस्ती है या महंगी है। एंड नेक्स्ट रूल है कि स्लाइड्स को क्लासी दिखाने के लिए आपको साथ में पहननी है सॉक्स। अपने पैर मत दिखाओ, आपके पैर बहुत गंदे हैं, मुझे पता है, मैं देख नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं लेंस में, कैमरा के लेंस में देख के बोल सकता हूं आपके पैर गंदे हैं, गजब बेइज्जती है। सॉक्स पहनना, और सॉक्स पहनना व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, इन टाइप के कलर्स की, सॉलिड कलर्स, उसमें कोई डिजाइन पैटर्न ना बने हो, वो बहुत चीप लगेगा। एंड अगर स्लाइड्स की जगह आप पहन रहे हो सैंडल्स, इंडियन टाइप के सैंडल्स, तो उनके साथ सॉक्स बिल्कुल भी मत पहनना, बहुत अजीब लगेगा, उसमें तो आपको बेयर फीट जाना पड़ेगा, मतलब पैर दिखेंगे लेकिन उसके स्ट्रैप्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपके पैर उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे। और लास्ट रूल ये है कि विंटर्स में स्लाइड्स सैंडल मत पहनना, बहुत अजीब लगता है, ऊपर स्वेटर और नीचे खुले पैर। अब आ जाते हैं कि किस किस टाइप की ऐसी एक्चुअल में चप्पल और सैंडल होते हैं जो कि आप पहनोगे तो अच्छे लगोगे,
लोगे एंड उनको स्टाइल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक नई टाइप की चप्पल से जिसको कहते हैं क्लॉग, CLOG क्लॉग। क्लॉग्स का मतलब है कि वो स्लाइड्स जितने खुले नहीं होते बट शूज जितने बंद भी नहीं होते एंड वो ऐसा कुछ रबर टाइप के मटेरियल के बने होते हैं ताकि वो थोड़े से कूल और कंफर्टेबल रहे एंड उसके ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं जिसके अंदर से हवा पास करती है। तो आप मान लो कि शूज और चप्पल ने इलीगल सेक्स किया और ये पैदा हो गए। और क्लॉग्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस एक ही कंपनी है पूरी दुनिया में, वो है क्रॉक्स। क्रॉक्स इतनी ज्यादा फेमस है क्लॉग्स के लिए कि लोग क्लॉग्स को क्लॉग्स बोलते ही नहीं है, लोग बोलते हैं ये क्रॉक्स अच्छे हैं, वो क्रॉक्स अच्छे हैं। बट क्रॉक्स भी करीब 2000 की रेंज में आते हैं। मेरे को सरप्राइजिंगली काफी सस्ते में मिल गए थे, आई थिंक 1200 में मिल गए थे बजट शॉपिंग चैलेंज में, शायद episode 3 या 4 था, आपने चैनल पे देखा ही होगा, वहां पे मैंने मंगवाए थे ये वाले। इनकी बेस्ट बात ये है कि इनका अपर पार्ट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो जो भी सॉक्स पहनोगे उसका कलर ऊपर से दिखेगा। क्रॉक्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हद से ज्यादा, एंड इसमें आपके पैर भी ज्यादा नहीं दिखते, तो मेरे को क्रॉक्स काफी पसंद है आसपास जाने के लिए। अब क्रॉक्स के अलावा भी क्लॉग्स आते हैं बट जो ऑनलाइन अवेलेबल है ना वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते, जो 1000 से कम वाले होते हैं, 600-700 की रेंज में। उनको मैंने मंगवाया था, मेरे को रिटर्न करना पड़ा क्योंकि वो बहुत हार्ड थे, उसके ऊपर चला नहीं जा रहा था। तो आप ऑनलाइन सेल ढूंढते रहो और आपको 1100-1200 में जरूर मिल जाएंगे क्रॉक्स। एंड अगर आपके पास कुछ ज्यादा बजट है तो ईजी के भी क्लॉग्स आते हैं जिनको फोम रनर्स कहते हैं और मेरे को भी दिलवा देना है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? नेक्स्ट मैं आपको एक बेसिक सी स्लाइड दिखा देता हूँ, अगर आपकी बजट थोड़ी सी कम है, 500 के करीब है, तो आप ये वाली स्लाइड्स ले सकते हो। ये वाली मैंने बेज कलर में मंगवाई है, इनको मैं सिर्फ घर पे ही पहनना प्रेफर करूंगा। इस स्टाइल की स्लाइड्स बाहर पहनने का कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल भी क्लासी नहीं लगोगे। तो घर पे शॉर्ट्स वगैरह के साथ, ओवरसाइज टी शर्ट, एकदम रिलैक्स रिलैक्स सी आउटफिट के साथ आप इसको पहन सकते हो। मान लो कि घर पे आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है या फिर इवन फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो उनके साथ आप स्टाइलिश भी देखना चाहते हो और कंफर्टेबल भी देखना चाहते हो। अब ये वाले मैंने स्लाइड्स थोड़े से छोटे साइज में मंगवा लिए थे तो आप वो नोटिस मत करो, बट आप वैसे देख लो कि इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। बाय द वे इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स के लिंक्स, तो आप जाके खरीद सकते हो। इस वाले में भी आप देख सकते हो कि ये पूरी जगह सेम कलर की स्लाइड्स हैं बट इसमें थोड़ा टेक्सचर अलग है जगह जगह पे, विच इज ओके, बट आपको कलर वही सेम रखना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला मान लो कि आप जिम कर चुके हो या फिर बास्केटबॉल खेलने गए थे कॉलेज में और अब वहां से अपने हॉस्टल जा रहे हो या इवन क्लास में भी जा रहे हो। अब आपने अपने बैग में अपने सारे जिम शूज या स्पोर्ट्स शूज रखे हुए हैं, अब आप रिलैक्स करके स्लाइड्स पहन के जाओ, तो यहाँ पे जो आपने स्पोर्ट्स में अटायर पहना था, जैसे कि एक टी शर्ट पहनी होगी या फिर आपने बाद में ऊपर से एक टी शर्ट पहन ली और साथ में आपने ट्रैक पैंट्स पहनी हुई है और साथ में नीचे आप आराम से स्लाइड्स पहन लो। ये लुक उन कॉलेज के लड़कों के लिए काफी सही है जो सुबह कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस में जाते हैं एंड उसके बाद मतलब 10-11 बजे के करीब किसी लेक्चर में जाते हैं। अब यही स्लाइड्स अगर आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो मेरे को ऑनलाइन एक बहुत कूल सी स्लाइड मिली, उतनी कंफर्टेबल नहीं है पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन कूल बहुत है क्योंकि इसके ऊपर एक पॉकेट है जिसमें मैं कॉइन्स डाल सकता हूँ, जिसके अंदर मैं सेंटर फ्रेश डाल सकता हूँ बाद में खाने के लिए। तो अगर आपको लोगों के सामने काफी कूल दिखना है तो ये वाली स्लाइड्स आपके लिए बहुत बढ़िया है और इसके साथ आउटफिट भी हम थोड़ी सी कूल ही बनाएंगे। जो स्लाइड्स के ऊपर मिलिट्री प्रिंट या कैमो प्रिंट है उसको मैंने अपनी शॉर्ट्स पे पहना हुआ है एंड साथ में एक ब्लैक कलर की ओवरसाइज ग्राफिक टी शर्ट पहनी हुई है, बहुत ज्यादा कूल लुक लग रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करो, मैंने नीचे सॉक्स भी ब्लैक कलर की पहनी है जो कि टी शर्ट के कलर से मैच हो रही है। ये कलर पिकिंग वाली टेक्निक मैंने आपको कलर मैचिंग वाले वीडियो में सिखाई थी। तो अगर आप बोर हो गए हो बाकी टाइप की स्लाइड से तो ये वाली स्लाइड्स ले लेना, इसका भी लिंक नीचे। अब क्लॉग्स और स्लाइड्स हो गई तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम थोड़े से इंडियन टाइप के सैंडल्स पे। देखो इंडियन टाइप के लेदर सैंडल्स ना काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इंडियन लड़कों पे क्योंकि वो बहुत इंडियन एक वाइब देते हैं, बहुत ज्यादा एक वो माहिवे टाइप की वाइब देते हैं। अब जैसे मैंने एक बहुत रिलैक्स टाइप की एक वाइट शर्ट पहनी है, साथ में वाइट कलर की रिलैक्स एकदम पैंट्स पहनी है और उसके साथ प्यारी सी वाइब मैच करने के लिए प्यारी सी ब्लैक कलर की लेदर सैंडल्स पहनी है। जब भी आप इंडियन स्टाइल की कोई लेदर सैंडल्स ले रहे हो ना तो उसमें ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा उसमें क्रॉसओवर्स हो रहे हो लेदर के, क्योंकि वही अलग अलग लेदर के जो स्ट्रैप्स उस पे आ रहे होंगे ना वही उसको एक बहुत इंडियन और देसी फील देंगे, बिल्कुल प्यारी वाली। बस ध्यान रखना है आउटफिट किसी क्लब वगैरह में पहन के मत चले जाना, एक्चुअली क्लब में अलाउ भी नहीं करते बिना जूतों पे। अब एक और टाइप का सैंडल जो कि थोड़ा सा इंडियन भी लगता है बट एक्चुअल में शायद वो थोड़ा यूके मतलब यूरोप साइड का फील ज्यादा है उसमें, वो है मतलब मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता बट बर्किनस्टॉक एक कंपनी है जिसने उस डिज़ाइन को एकदम पॉपुलर किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा सेक्सी एस्थेटिक डिज़ाइन है जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि ये कंपनी भी इंडिया में आ चुकी है, लेकिन बर्किनस्टॉक के जो एक्चुअल वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप लोग अनलेस आपके पास इतना बजट है। तो बिल्कुल बर्किनस्टॉक जैसे ही, और क्योंकि उनका डिज़ाइन का कोई ट्रेडमार्क नहीं है इसलिए उनके जैसे ही काफ़ी दूसरी कंपनीज ने बजट में भी सैंडल्स बनाए हुए हैं, तो ये एक कॉपी नहीं है, ये बस एक सिमिलर डिजाइन पे किसी ने बनाया हुआ है। तो जैसे यहाँ मैंने इसको स्टाइल किया है, थोड़े से
इंडियन स्टाइल में, जैसे कि मैंने अपना ग्रे कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ है ऊपर और नीचे व्हाइट कलर की रिलैक्स्ड पैंट्स पहनी हुई है लिनन में, एंड साथ में बहुत प्यारे सैंडल। एंड यही थे वो सारे टाइप के स्लाइड सैंडल स्लिपर चप्पल जो भी है जो आपको लेने चाहिए। बट हाँ, इसमें से कोई एक या मैक्सिमम दो ही लेना, उससे ज्यादा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीस का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो होना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप इनमें से कौन सा वाला चप्पल लेने वाले हो। एंड दैट्स इट। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।